राज्य एवं देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आज खबर को स्वागत करुच्ची मुझ संयुक्ता प्रथम देखने कौन रही आज हेडलाइंस पुणी सामना को आसी आउ एक दुखद घटना विद्युत संस्पर्शे आसी गर्भवती गायर मृत्यु क्षतिपूरण दावी कले ग्रामवासी अमाने सबाट कले तालचेर पौर परिषद अधिकारिणी दोकान सिल करने अमांत फाइन आदाय वर्षा पवन में अस्थायी घर भांगार उत्तेजना पुलिस गाड़ी भंगारुजा कर्मी को आक्रमण एपटे प्रशासन उपरे बर्षिले पूर्वतन विधायक महामारी समय मानविकता हराउछि मनीष कोरोना सन्देह श्मशान में मिललानी स्थान पीपी किट पिंधि सबदा कले पुलिस सहयोगी पुलिस एभली महत् कार्य को साधारण प्रशंसा बुलेटिन आरंभ करबा आजर सबुठारु सेही बड़ खबर रु निमापड़ा एवं चारिछक अंचल रे विभिन्न समय रे दुर्घटना घटीबा बेले आज पुरी जिला निमापड़ा थाना अंतर्गत तुलसीपुर पंचायत तुलसीपुर ग्रामर चक्रधर दास को गोटिए गर्भवती गाई विद्युत आघात रे मृत्युवरण करिछि घटनारु प्रकाश से चक्रधर दास दैनदिन परी आज चारिछक अन्नपूर्णा विद्यापीठ ठारे थिबा पड़िया को चारोटी गाय चरेबा को नै जाइथिले किंतु स्कूल पछपटे धान बिल को गोटे गाय चरेबा को जाइथिबा बेले से बिल उपरे अल्प दूर रे 11 केवी तार ओहळीथिबा तार संस्पर्श रे आसीबारु चक्रधर दास को एक गर्भवती गाय मृत्युवरण करिछि जार मूल्य 20,000 उद्ध हबो बोली चक्रधर टू प्रकाश ए गाय मृत्यु ने चक्रधर चारिछक फांडी रे लिखित अभियोग करछंती चक्रधर एक दिन मजुरिया गरीब व्यक्ति एही चारोटी गाय को नै परिवार पोसे ए व्यक्ति को क्षतिपूरण देवा पई ग्रामवासी माने दाबी करछंती निमापड़ा अंचल चारिछक एरिया रे 33 केवी एवं 11 केवी ओ एलटी तार संपूर्ण भाव पुरुणा तेणु खुंट एवं तार परिवर्तन करने को अंचलवासी माने दाबी करछंती कहले मऊसा करेन्ट तुमको धरव कह कर तेरे पढ़ाओ पढ़ा मुनिटा गाई बाड़े गाई अवस्था दस पंदर दिन जन्म कर आईला देख ली आज्ञा देखते तारा छिड़की पड़ी गाई गोर चढ़ी मला कितु बर्तमान से गरीब लोकटा तार दीटा गाई से चलु आज्ञा तार गोटे गाई मरीगला आप देखते इलेक्ट्रिक वाला तारा देखते आज्ञा यार देखते ये देखते ये गोटे एकुंट रु सेकुंट चालीस जगह आज्ञा जॉइंट हो देखते ये आप देखा विजुआल चालीस जगह जॉइंट हो देखु कौन बुझन तो गरीब लोक चलो कमी आज्ञा निमापड़ शिशिर कुमार स्वाई को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया महामारी कोरोना भूताणुर द्वितीय लहरी अस्तव्यस्त कला सारा देश को राज्य में मध्य दिनकू दिन संक्रमित संख्या बढ़िया सहित मृत्यु संख्या मध्य बढ़ी चली एभली परिस्थिति रे संक्रमण चेन भांगिबापाई राज्य सरकार सारा राज्य में सप्ताहांत सटडाउन और रात्रिकालीन कर्फ्यू सह आरंभ करिसंती 14 दिनिया लॉकडाउन एपरी परिस्थिति रे दिन 6टा रु 12टा पर्यंत दुकान बजार खोलुची किंतु किछि अमानिया दुकानी दिन 12टा परे लुका छपारे दुकान खोली व्यापार करथुबा जानी तालचेर प्रशासन पक्षरु चेकिंग कडाकडी करा जायछि अन्य पटे अमानियांकु साबाड करबा पई प्रशासन पक्षरु पौर अधिकारिणी रश्मि रेखा अमान्त फाइन आदय करबा सहित दुकान गुडीकु सील करा जाउथुबा देखिबाकु मिलिछि तालचेरु अनुराग आचार्यंकु रिपोर्ट डीटीवी ओडिया कटक नुआपड़ा बालीसाही अंचल रे आज तुमलकांड घटी उत्त्यक्त बस्ती बासिंदा माने पुलिस गाड़ी भांगिबा सहित सेठारे नियोजित म्युनिसिपालिटी कर्मचारी को आक्रमण करिछंती बस्ती बासिंदा मध्य आहत होइतिले जहाँ को नहीं तीव्र उत्तेजना देखा देइतिला काल बैसाखी टेंट भांगि जिबारु खाद्य सामग्री समस्त जिनिष पत्र नष्ट हो जाइतिला तबे मिलिथिबा सूचना अनुजे कटक तालदंडा केनाल रास्ता संप्रसारण पई केनाल पार्श्वरे रही आसुवा बस्ती बासिंदा को उच्छेद करी अस्थायी भावे नुआपड़ा बालीसाही अंचल रे थैथान करा जायछि दिने दुई दिन हला वर्षा पवन जोगु बस्ती बासिंदा समस्या रे थिबा बेले आज दिन प्राय 12टा बेले आरंभ होइतिला काल बैसाखी वर्षा पवन रे बालीसाही रे रहुथुबा प्राय 400 परिवार को टेंट उड़ी जायथिला महानगर निगम पक्षर ए संक्रांत में मधुपाटना पुलिस को खबर दिया घटनास्थल एक प्लाटून पुलिस फोर्स पहुंची किंतु उत्तेजित बस्ती लोक मैंने पुलिस गाड़ी को टेका पथर मारे पुलिस गाड़ी काच भांगी
थाना कर्मचारी ठेंगा धरी गोड़ाई थिले। बस्ती बासिंदा रास्ता उपरे धारणा देबारु कमिश्नरेट पुलिस किछि वरिष्ठ अधिकारी सेठारे पहुंची बुझासुझा करथिले। एथिसहित कटक चौदार विधायक सौभिक विश्वाल और पूर्वतन विधायक प्रभात रंजन विश्वाल घटनास्थल पहुंची लोकंकु बुझासुझा करथिले। श्री विश्वाल फोन सीएमस कमिशनर न उठेबारु से बस्ती बासिंदा प्रतिनिधि मानंकु नै चली चली जिलापाल कार्यालय पहुंचीथिले। सेठारे जिलापाल श्री विश्वाल बस्ती बासिंदा क्षोभ जणाइबा सहित एभली स्थिति रे सीएमस कमिशनर अथवा अन्य अधिकारी धराछुआ नदेबा घटना को नहीं प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले। एपरिकी कमिशनर आसंता कालीठु कटक चौदार अंचल न जिबाकु कड़ा चेतावनी देथिले। आम घर काम करूँ आम छुआ दीटा भी थी घर छोट झीटा भी दी बर्ष झील भी घर थी सब ये टेन्ट आस आम उपर पड़ा आम क्या बचबू सारे देख आप देख मीडिया वाला देखी दिखाँ आम झील को आम झिकाड़ी काढ़ल आम झील मर जाता आज मेघ आगे है मेघ भी पवन है जोर जोर ए टेन्ट आसिक पड़ा आम उपर हाँ आम घर लोक आम भितर सब बसती आम झील ए झील देख ए झील को झिकाड़ी काल प्रशासन आमको एम सुरक्षा दे आम पिला छुआ माने सर पूरा बहुत दुखने चलीगले सर मो कांदो फाटीगला सर मो पिला छुआ मान जीवन पलिए था मो पिला छुआ मान जीवन पलिए था आम मैंने रही कहीं से चलिए बहुत असुविधार सम्मुखीन होमें कि आम कथा बुझुंट कौ प्रशासन बुझुं कहीं आम कथा बुझुना आज कौन कहू पर पा पशिले क्या कान गोटे किसी ई पशुना ये आकईदे से मीठा मीठा कथा कहले बैध मलाना रोग बाहर बाहर गला ये आोपाड़ी देखे आउ कहीं शुणा को ना गंडे खाली खाईदे हम कि ये पड़ी घर सब बुड़गला से गाड़ी भितर बस पुलिस भाई मैंने बस मद पिवं से उत्त्यक्त कला आठ समस्त देखा पुलिस गाड़ी भांगे से बसिक मद अंडा बस खाऊँ ये लोकों विषय कहीं कह ये तेल उठे आणल कहीं लोक मैंने कौन कि आम आमको जब ये न करें से पुणा जगह फेरीज कटकु एम डी जावत को रिपोर्ट डी टी ओडिया। हजिगला मानविकता कोरोना सन्देह भयर पाख माड़े परिजन युवकर शवदाह करने को गाँ श्मशान मिललानी जगह श्वास जनित रोग से पीड़ित हो चिलिका ब्लक सरल सिंह ग्रामर दिवाकर बारिक बालुंगा मेडिकल रे भर्ती होते हेले सेठे कि समय चिकित्सा पर मृत्यु मृत्यु पर कहीं भी शव छुईले ना कोरोना आक्रांत भाई युवक गाँ पर लोके समस्ते दूरे गले अवस्था युवकर माँ ता पुअर शव सम्मान सत्कार करने लगी आकुल नवेदन करुए तेबे परिजन लोके मृत युवक दूरे जाइथिबा बेले एही समय रे देवदूत पर आगे आसिले बालुंगा एसडीपीओ मानस रंजन बारी। एसडीपीओ को सहयोग रे कोविड गाइडलाइन अनुसारे नाभालफांडी निकट आखुआ पोखरी श्मशान में गत राति शवदाह करागला। एही कार्यक्रम रे बालुंगा आईआईसी रवींद्र कुमार महाली स्वेच्छासेवी जीना पंडा मेडिकल अटेंडेंट दिलीप बेहरा प्रमुख जोगदे शव सत्कार करथिले। पुलिस रो एभली महत कार्य को साधारण प्रशंसा कर खोर्धा चिलिकारु सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। दिनकु दिन कोरोना मृतकों संख्या बढ़िवारे लगी सबुठारु दुखर विषय निज आत्मीय स्वजन कोरोना रोग से मरीगले सत्कार तो दूर कथा कहीं आखपाख भी माड़ ना प्रशासन व्यवस्था ठप हो पड़ी। यह समय शव सत्कार करने अंटा भिड़ी समाजसेवी मनोज पटनायक और तांको साथी कोरोना मृतकों पर शव दाह करने कहीं सेवा संगठन प्रस्तुत अच्छी बोली प्रकाश करछंती मनोज पटनायक। प्रशासन जिते बड़े आवश्यक पड़े से जरूरी परिस्थिति में संगठन सहयोग कर शव सत्कार पीपी किट समेत भूताणु प्रतिरोधक जोगाई देवाई कलाहांडी जिला कलामुंडा इमरामपुर केसींगा और नल्ला विडीओ को संगठन तरफ दाबीपत्र प्रदान करिसंती। समाजसेवी मनोज पटनायक तरफ कलामुंडा कोविड परीक्षण केन्द्र में एक छाउणी व्यवस्था करसहत अंचल किसी सांबादिक कोविड टीकारु वंचित होइथिबारु विडीओ महाशय को अनुरोध करिसंती। एथिरे दाबीपत्र देबारे सहयोग करथिले अंचलर युव सांबादिक सुशान मल्लिक कुंज साहू सरोज साहू और खीणमणि साहू। अन्यपटे श्री पटनायक एभली कार्य को अंचलवासी स्वागत करछंती। कोरलामुंडा ब्लक जनसाधारण मत फोन मध्यम मेडिकल छेर व्यवस्था करने जनसाधारण मैंने लाइन लगुचन प्रबल खरा हो आउ से आप छेर व्यवस्था टे कर फोन करवा जगह मुझे सांगे सांग देवालय रणा सुरज साहू
ଶିରୋମଣି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲି ଆଉ ସେମାନେ ମୋର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବା କଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ନିଜର ମନରେ ଆମେ ବ୍ରତ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଏମରାମପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମିଳିଲା କରୋନା ଟିକା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି କରୋନା ଟିକା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଓ ୱେବ୍ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଟିକା ନେଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଲେବଲ୍ ୱାର୍କର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ତ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଲୁ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସହାୟତା କରିକି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଟିକା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ସମୁଦାୟ 42 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ ଆଉ ନିରାକାରପୁର ଏରିଆ ଏ ପ୍ରକାର ସମୁଦାୟ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଟିକା 2ଟା ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିଲେ, ତ ଆଜି 40 ଡୋଜ୍ ଆଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡୋଜ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପୁଣି ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏ 28 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା 42 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କର ମୋର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ଆମେ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ବସାଇବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ଆମର ଭେରିଫାୟର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସାଇଲୁ, ତାପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଆମେ ଡାକିକି ଭେରିଫାୟର ପାଖରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଲୁ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଲୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ କରାଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ମହାଦ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। ଏଠି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୀମା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଗଧାଡ଼ି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆପିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବିନା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। 2014 କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 4000ରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ 2019 ଓପେପା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କମିଯାଇଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଘରେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 35% ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ନ ଖୋଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛଟେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭଳି ଦରମା ସହ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବୋଲି ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
आमे 2014 रु पोस्टिंग पाइथिलु 2019 पर्यंत 5 वर्ष गवर्नमेंट रो माने पूरा जो गवर्नमेंट रो काम करिचु जोटा सरकारी कर्मचारी माने करबा कथा आमे समस्त काम 5 वर्ष को हमर मूल्यवान समय देइचु सरकार को पाखरे किंतु सरकार ए जो माने सिचुएशन अछि कोविड 19 समय रो जो सिचुएशन अछि से समय रे ऑनलाइन शिक्षा रो आवश्यकता अछि किंतु सरकार पर एडा अपारगता जे माने कोविड 19 भली जो ऑनलाइन शिक्षा रो आवश्यकता अछि जो स्टूडेंट माने चाहु जे ऑनलाइन शिक्षा को जो लक्ष लक्ष गरीब पिलांकर बापा मा चाहूँ जे ऑनलाइन शिक्षा हो किंतु से समय रे ऑनलाइन शिक्षा बाधाप्राप्त होई आ कंप्यूटर लैब ताला पड़ी जदि सरकार यही समय रे जदि माने आमर कंप्यूटर शिक्षा को जो ऑनलाइन शिक्षा को गुरुत्व दे था ताहले पिलांकर जो मैट्रिक परीक्षा बंद करा जाउची पिला पाठ पढ़ी पार ना से सब जिनस को मध्य आमे निश्चित भाव रे सरकार से आमे पिलांकर उतराई दे था देखंतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सहभागिता रे आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर मानक 4000 गवर्नमेंट एवं गवर्नमेंट एडेड स्कूल रे निजुक्ति प्रदान करा जायतला इटा गोटे 5 वर्षर टर्म थिला 5 वर्ष पर राज्य सरकार एमानक आउ रेगुलराइज करनथले सो से ग्रीभांसेस को रेज करथले प्रॉपर फोरम रे एवं आंक भलिया सारा भारत वर्ष रे अनेक राज्य रे मध्य एक आईसीटी कोऑर्डिनेटर मानक निजुक्ति दिया जायतला सो पर्टिकुलरली वेस्ट बेंगल एवं महाराष्ट्र रे सेठिका राज्य सरकार माने सेमानको रेगुलराइज करिचंती सरकार कर्मचारी रो जो प्रकार व्यवस्था अछि सरकारी कर्मचारी भली तांको नियुक्ति प्रदान करिचंती सो यही समस्त तथ्य को आनी किंतु आम ओडिशा सरकार 2019 रु आकु डिस एंगेज कर देइचंती सो ये संपूर्ण तथ्य को आनी आमे आज आईसीटी स्कूल एसोसिएशन माननीय हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइचंती यही प्रार्थना रो सहित जे तांको जे भली भाव रे वेस्ट बेंगल सरकार आईसीटी कोऑर्डिनेटर मानक नियुक्ति देखते सरकारी भाई सरकारी ऑफिसर भाया बा सरकारी कर्मचारी भाया सिमिलर नियुक्ति राज्य सरकार दिंतु ये प्रार्थना नहीं से माने हाईकोर्ट को कटकरु एमडी जावत को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया पुणी जवान को अपहरण पर हत्या अति निर्मम भाव में धारुआ अस्त्र हत्या करिसंती माओवादी एभली एक हिंसाकांड देखा मिली छत्तीसगढ़ सीमांत सुकुमा जिले में घर डाकि नहीं जड़े डीआरजी जवान को गलाकाटी हत्या कले माओवादी घटनास्थल में पुलिस पहुंची छानबीन आरंभ कर तेज मिली सूचना अनुजाई दोनापाड़ थाना अंतर्गत पेटा गाँव डीआरजी जवान बेटी भीमा गतकाली निज गाँव को जाते हैं राति में निज घर सोता बेले 10-15 जन माओवादी पेटा गाँव में बंधुक देखा घर उठाई नहीं परे गाँ मुंड रास्तार पथर से छेचवा सह गलाकाटी जवान को हत्या करिसंती माओवादी सेपटे घटना संपर्क में खबर पाई सुरक्षाकर्मी पहुंची छानबीन आरंभ कर बदलिले भुवनेश्वर महानगर निगम कमिशनर बीएमसी कमिशनर थिबा प्रेमचंद चौधरी को बदली कर दीजिए तांको स्थान रे संजय कुमार सिंह को बीएमसी कमिशनर भाबे नियुक्ति दी जाए श्री सिंह होउछंती 1997 ब्याच रो आईएएस अफिसर वैषयिक शिक्षा और दक्षता विकास विभाग सचिव थिबा संजय कुमार सिंह को बीएमसी कमिशनर दायित्व सहित बीडीए रो उपाध्यक्ष भाबे अतिरिक्त दायित्व मध्य दी जाए ता सहित स्मार्ट सिटी सीओ भावे अतिरिक्त दायित्व मिली अन्य पक्ष 2014 ब्याच रो आईएएस ऑफिसर प्रेमचंद चौधरी को साधारण प्रशासन विभाग रो ओएसडी भावे नुआ नियुक्ति मिली संजय कुमार सिंह को नुआ दायित्व मिलवा पर शिल्प विभाग रो प्रमुख सचिव थिबा 1995 ब्याच रो आईएएस ऑफिसर हेमंत शर्मा को वैषयिक शिक्षा और दक्षता विकास विभाग रो अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जाय छि एथिसहित विष्णुपद सेठी को सूचना और लोकसंपर्क विभाग रो अतिरिक्त दायित्व डॉक्टर किशन कुमार को इडको रो सीडीएम भावे अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा जाय छि बोली सूचना मिली छि ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया बुलेटिन से सरे हेडलाइंस पुणे सरे पुणी सामना को आसी आउ एक दुखद घटना विद्युत संस्पर्शरे आसी गर्भवती गाय रो मृत्यु क्षति पूरण पई दाबी कले ग्रामवासी अमानियों को सावाड कले तालचेर पौर परिषद अधिकारिणी दुकान सील करबा स अमानत फाइन आदाय बर्षा पवन में अस्थायी घर भांगार उत्तेजना पुलिस गाड़ी भंगारुजा कर्मी को आक्रमण एपटे प्रशासन उपरे बर्षिले पूर्वतन विधायक महामारी समय मानविकता हराउछि मनीष कोरोना सन्देह श्मशान में मिललानी स्थान पीपी किट पिंधि सबदा कले पुलिस और सहयोगी पुलिस एभली महत् कार्य को साधारण प्रशंसा
ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।